हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनबॉक्सिंग ग्रीम चैनल पे। दोस्तों आज कुछ अलग करने वाले हैं। दोस्तों आज हम आपको मैजिक दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो जंबू बॉक्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स, इसको के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, सिर्फ मैंने इसको जो है 500 से अमेजोन से खरीदा है। इसके अंदर आपको 75 मैजिक ट्रिक्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर जितने भी मैजिक ट्रिक्स का आइटम है, मैं आपको सभी करके दिखाऊंगा और सिखा भी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आबरा का डाबरा गिली गिली चू। सो दोस्तों इधर में आपको एक कॉइन दिखने को मिला हुआ है। इस कॉइन को अभी आपके सामने लाइव गायब करके दिखाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों इस मैजिक को ध्यान से देखना, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। आप इसको पकड़ पाते हो तो आप एक लेजेंड हो। छोटा छोटा तीन बॉल है, इस बॉल को हमने रख दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक 20 रुपीज़ का नोट है और एक छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास है। इस नोट को इसके अंदर हम डालेंगे तो ये नोट गायब हो जाएगा। ध्यान से देखना। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे लाया, मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ध्यान दोस्तों आप लोग देख सकते हो यही ये पार्सल जो आया है अमेजोन से, इसी के अंदर है जंबू बॉक्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स ओवर 75 ट्रिक्स। मतलब इसमें आपको 75 से भी ऊपर मैजिक ट्रिक्स इसके अंदर देखने को सीखने को मिलेगा, जो मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा और सिखा भी दूंगा। आप देख सकते हो 521 रुपीज से मैंने इस जंबू बॉक्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स जो अमेजोन से खरीदा है। और दोस्तों इसके साथ हमको 7 डेज का रिप्लेसमेंट भी मिल गया है। मतलब इसको खरीदने के बाद इसमें हमको किसी तरह का भी डैमेज मिलता है तो हम इसको रिटर्न करके पैसा जो है रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है टोटली चाइनीज प्रोडक्ट है, फिर भी क्वालिटी प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हो बहुत ही औसम है और बहुत ही कलरफुल है और पैकेजिंग बहुत ही बड़ी तरीके से किया गया था। दोस्तों आप लोग देख सकते हो बॉक्स के अंदर से 3 छोटा-छोटा पैकेट मिला है, जिनके अंदर 5-6 मैजिक टूल देखने को मिल रहा है। और इसमें वार्निंग ये दिया गया है कि 3 साल के ऊपर बच्चे से मैजिक दिखा सकता है और 3 साल के अंदर के बच्चों के लिए ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही नुकीला चीजें हैं और प्लास्टिक का बॉल भी है जो बच्चों के नाक में मुंह में चिपक सकता है और जो नुकीला चीजें हैं उनसे बच्चे को खरोंच वगैरह लग सकता है, इसलिए बच्चों के लिए हानिकारक है। 3 साल के अंदर जितने बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, 3 साल के ऊपर बच्चों के लिए है ये। दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक पैकेट के अंदर जो है लगभग आपको 5-6 आइटम हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको जो है बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स मालूम चलेगा, आप सीख रख पाएंगे और आप दोस्त लोग के साथ बहुत ही मस्ती से एंजॉय कर सकते हो। जंबू बॉक्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स, इसको आप खरीदना चाहते हो तो बाइनर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको लगभग 20 मैजिक टूल्स मिल जाता है। बाकी की जो मैजिक ट्रिक्स है दोस्तों आप देख सकते हो, इन फोटो को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ के सीख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैजिक ट्रिक्स सीखते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये नॉर्मल सा एक स्टिक प्लास्टिक का पाइप है, ये अभी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। मैं अभी इसको जादू आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देखना आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे किया, अब मैं आपको फिर से आपको एक बार करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इसको मैंने ऐसे इसमें फंसा लिया, एक रबर की तरह है, दोनों तरह है, सब देख सकते हो दोनों तरह ये मिलता है आपको। ऐसे करके ऐसे रखना होगा और उसके बाद इसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे छोड़िए हाथ को, ये ऊपर चला जाएगा। देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, किसी को फर्स्ट टाइम देख के मालूम नहीं चलेगा। दोस्तों दोस्तों इस मैजिक को करने के लिए, इस जादू को करने के लिए एक डंडे एक लकड़ी की ज़रूरत है, उससे आप कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको आप जो है सीख के रखिए, आप दोस्त लोग को दिखाइए और मज़ा लीजिए। आप इसको सीख के रखोगे आपको बहुत ही काम आएगा। वाह क्या सीन है। सो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर एक बॉल है, इस बॉल को हम निकाल देते हैं और इस के अंदर से रखते हैं। तो इसमें अभी भी खाली है, तो आप देख सकते हो ये अभी खाली है, इसमें कोई भी बॉल नहीं है, खाली है ये अभी। तो दोस्तों आप देखना आवरा का डाबरा गिली गिली छू। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बॉल जो इसके अंदर से इसके अंदर आ चुका है। तो दोस्तों फिर से हम इस बॉल को इसके अंदर डालेंगे, देखना आबरा का डाबरा गिली गिली छू। दोस्तों ये खाली हो चुका है, आप देख सकते हो, तो ये बॉल इसके अंदर फिर से आ चुका है। तो दोस्तों हमने इसको कैसे किया, दोस्तों हम ऐसे निकालेंगे तो बॉल दिखेगा और हम ऐसे निकालेंगे तो बॉल गायब हो जाएगा। आप देख सकते हो ऐसे निकालने से बॉल रहता है और बॉल गायब होता है, तो बीच में एक पार्टीशन है, बहुत ही सिंपल है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो तीन काफ है, आप देख सकते हो छोटा छोटा, इसमें तीन बॉल है। इस बॉल को हम ऐसे रख देते हैं। सो दोस्तों देखना, अभी इस बॉल को हम इधर में रख देते हैं, ये दोनों काफ खाली है, इसमें हम ऐसे रख देते हैं। तो आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों आप देख सकते हो बॉल नीचे आ चुका है। हम इस काफ को फिर से इधर में इसको रख देते हैं, इधर में इसको रख देते हैं, और ये काफ हम इसको रख देते हैं। ठीक है, तो अभी देखना फिर से इस बॉल को हम इधर रख देते हैं। तो हम इसको रख देते हैं ऐसे, इसे हम रख देते हैं। तो आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों आप देख सकते हो दो बॉल नीचे आ चुका है। सो दोस्तों अभी फिर से इस बॉल को हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो हम इसके ऊपर रखते हैं ऐसे, फिर से ऐसे इसके ऊपर रखते हैं। तो आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों देख सकते हो तीनों बॉल नीचे आ चुका है। तो दोस्तों इसको हमने कैसे किया, हमने जब पहले आपको काफ दिखा रहे थे उस टाइम एक बॉल इसके अंदर थे और इसको नीचे एक काफ थे और इसके ऊपर एक काफ थे, उसके अंदर तीन बॉल थे, ऐसे रखे थे। ऐसे तीन बॉल को हमने निकाले आपके सामने, ऐसे रख दिया तीनों बॉल को, और उसके बाद हमने इस काफ को ऐसे रखा और इस काफ को ऐसे रखा और इस काफ को ऐसे रखा। तो दोस्तों इन दोनों काफ को मैंने दिखाया था, लेकिन इस काफ को मैंने नहीं दिखाया। तो इस काफ के अंदर एक बॉल था, तो इस बॉल को हम जैसे इसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर फिर से ऐसे रखते हैं, तो हम उसके बाद उठाते तो एक बॉल मिलता है। ठीक है, तो इस काफ को मैंने ऐसे रख दिया, फिर इस काफ को मैंने, इसके अंदर बॉल है तो मैंने ऐसे रख देता हूँ, फिर से ऐसे करता हूँ, इन दोनों खाली रहता है, इसके ऊपर मैं ऐसे रखता हूँ और इसके ऊपर कैसे ऐसे करता हूँ, और ये दोनों इधर रहता है दोनों, तो ऐसे रखता हूँ, ये बॉल है, फिर ऐसे मैंने रख दिया। तो देख सकते हो कुछ ऐसा मामला है, बहुत ही सिंपल है। आप दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, इसको आप करना चाहते हो तो आराम से कर पाएंगे। कुछ भी आपके घर में कोई ग्लास काप है उससे भी कर पाएंगे। तीन छोटा छोटा चार बॉल लीजिए, आप इसको कर सकते हैं घर में, आपके दोस्त लोगों को दिखा के मज़ा ले सकते हो। सो दोस्तों आप जो ये स्मार्ट वॉच देख रहे हैं वो आईडी 116 प्लस, इसको मैंने जो है 260 रुपीस से ख़रीदा है। इसके ऊपर मैंने एक अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए आपको बजट प्राइस में स्मार्ट वॉच खरीदना है तो। सो दोस्तों आप देख सकते हो इधर मैं आपको कॉइन दिख रहा होगा, इस कॉइन को आपके सामने लाइव गाइप करके दिखाऊंगा, मैजिक को ध्यान से देखिए। दोस्तों आप इधर मैं कॉइन जो दिख रहा है उल्टा करके भी आपको दिखा रहा हूँ, कॉइन दोनों तरफ है, आप देख सकते हो ये कॉइन आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों देख सकते हो कॉइन जो है गायब हो चुका है आपके सामने, मैंने गायब करके दिखा दिया, अब इसको उल्टा करके भी दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों अब देख सकते हो कॉइन गायब हो चुका है। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे किया, आप देख सकते हो दोस्तों इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। एक तरफ कॉइन है ही नहीं और एक तरफ कॉइन है, तो दोस्तों मैंने कैसे किया, मैंने जब ऐसे नीचे की तरफ किया तो ऐसे घुमा के कर दिया, फिर से ऐसे किया, ऐसे किया, फिर से ऐसे किया, तो इसको धीरे धीरे करने से मालूम चलता है, लेकिन जब स्पीड करता हूँ आपको मालूम नहीं चलता है, देख सकते हो। और इस तरफ मैं इसे ऐसे फटक करके मोड़ दिया, और उसके बाद मैंने जब नीचे की ओर किया ऐसे दिखाया और ऊपर की किया ऐसे दिखाया, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार करोगे तो इसको सीख जाओगे, बहुत ही सिंपल है, आपके दोस्त को दिखाओगे बहुत ही मज़ा आने वाला है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है, प्लास्टिक का है, ग्रीन कलर का। इधर में हमने एक कॉइन आपके सामने लाइव डाल के दिखा रहा हूँ आपको, एक कॉइन हमने इसके अंदर डाल दिया है। अभी इस कॉइन को जो है मैं आपके सामने गायब करके दिखाऊंगा, इसके अंदर अभी ऐसे ऐसे डाल दे, ठीक है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों आप देख सकते हो कॉइन जो है गायब हो चुका है, आप देख सकते हो इसके अंदर भी नहीं है, आप ध्यान से देखिए इसके अंदर भी नहीं है कॉइन, आपको देखने को मैं नहीं मिल रहा होगा, इधर में कॉइन था गायब हो चुका है। तो चलिए फिर से कॉइन को मैं वापस लाता हूँ, देखना बहुत ही सिंपल है। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों आप देख सकते हो कॉइन आ चुका है। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे किया, दोस्तों ये करना बहुत ही सिंपल है, मैं नहीं बताऊंगा। इसको आप गायब करना है तो हम क्या करेंगे, इसको चालाकी से बहुत ही ध्यान से इसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद हम इसको ऐसे डालेंगे तो गायब हो गया, तो फिर से हम इसको उल्टा करके ऐसे डालेंगे तो ये फिर से आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको चालाकी से आपको लोगों से बात ऐसे करना है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं फिर से पीछे से देखने से मालूम चल जाए, आप सिर्फ इसको बातों में रख के इसको चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है ये। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो दोस्तों आप देख सकते हो एक 20 रुपीस का नोट है और एक छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास है, इसके अंदर इस नोट को डालेंगे और ये नोट गायब हो जाएगा, वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना।
देख सकते हो नोट को इसके अंदर हमने डाल दिया है। अभी इस कागज़ में इसको फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर है अभी नोट, देखना आबरा का डबरा गिली गिली छू, आबरा का डबरा गिली गिली छू। शायद ये नोट गायब हो जाएगा, सो शायद हुआ है नहीं, तो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो गायब हो चुका है, आराम से ये गायब हो गया है। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे किया आपको मैं सिखा देता हूँ अभी। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ दोस्तों, इसके अंदर और एक छोटा सा ग्लास था, ये नीचे गिर गया मेरा, मैंने इसको गिरा दिया था। मैंने जब इसको अंदर ऐसे डाला, जब इसको मैंने फोल्ड किया था, फोल्ड करने के बाद मैंने आपके सामने जब ऐसे किया था, इसके अंदर से ऐसे ये इसके अंदर नीचे गिर गया, ठीक है। उसके बाद मैंने खोल के दिखा दिया, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके अंदर छोटा सा ग्लास है, ऐसे करके ऐसे डाल रहता है, नॉर्मल ही है। इसको अब एक बार आराम से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम सामने से देख के नहीं मालूम चल सकता है कि उसको कि उसने ऐसे कैसे किया, तो चौंक जाएगा फर्स्ट टाइम को देखेगा तो। और ये बच्चों के लिए दोस्तों, बड़े के लिए नहीं है, थोड़ा बड़े साइज का बच्चे है तो समझ जाएंगे, लेकिन 10 साल के नीचे उम्र के जो बच्चे हैं वो इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, और काफ़ी अच्छा लगेगा उन लोगों को। शाबाश बेटा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक छोटा सा लाल कपड़ा है, इसको मैं अभी गायब करूँगा, देखना ध्यान से देखना दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों आप देख सकते हो और वो गायब हो चुका है, तो कैसे किया मैंने, फिर से उसको मैं वापस लाता हूँ, देखना। सो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने सामने आपके सामने लेके आ चुका हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने इसको कैसे किया तो दोस्तों दिखा रहा हूँ मैं आपको। मेरा जो ये थंब फिंगर है ये डुप्लीकेट है, प्लास्टिक का है ये, आप देख सकते हो। मैंने जब ऐसे इसको किया, ऐसे उंगली से इसको बाहर निकालने के बाद इस कपड़े को मैंने इसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद मेरी उंगली को ऐसे कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप आराम से कर पाएंगे इसको। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सो दोस्तों रेड कलर येलो कलर इनमें से कौन सा बड़ा है, दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। नॉर्मल थोड़ा सा हार्ड कलरफुल कागज़ है ये, देख सकते हो ये दोनों सेम साइज़ का है। घर में आप इसको बना सकते हो, एक इल्यूज़न है जो आपके आँखों को धोखा देता है। दोनों एक साइज़ का है, लेकिन देखने में लगता है कि ये येलो कलर बड़ा है, और इसको हम येलो कलर को पीछे रखते हैं तो रेड कलर बड़ा है, ऐसा दिखने को लगता है। दोस्तों आप देख सकते हो ये कागज़ का है, इसको हम जो है बॉक्स में तब्दील करते हैं, उसके बाद इसमें चारों तरफ जो पिक्चर है इससे हम आपको मैजिक दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इतना क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों इनमें से कोई पिक्चर ऊपर के साइड रहता है तो बिना देखे मैं उसको बता दूंगा, तो दोस्तों ध्यान से देखना इस ट्रिक को, मैजिक ट्रिक को मैं आपको सिखा भी दूंगा। तो अभी इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, मेरे को नहीं मालूम है कौन सा पिक्चर आपके सामने की तरफ है, तो अभी इसको मैं ऐसे करके इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने नहीं देखा है दोस्तों इसमें कौन सा पिक्चर है, मैंने नहीं देखा, आप देख रहे हो, ध्यान याद में रखना कौन सा पिक्चर था। तो दोस्तों मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है, आर पार नहीं देखा गया। दोस्तों मैं आपको सिखा दूँगा तब आपको मालूम चलेगा। शायद इसमें दोस्तों कौन सा पिक्चर है मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ, आपको तो याद है ना दोस्तों, ध्यान से। तो फिर से मैं पीछे लेके जाता हूँ और एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें कौन सा कलर है। सो दोस्तों ग्रीन कलर का हेडफोन है ब्लैक कलर का, और ग्रीन कलर उसका बैकग्राउंड कलर है। तो दोस्तों मैंने सही बोला क्या, चलो खोल के देखते हैं। वाओ, सच में मैंने सही बोला दोस्तों, मैंने इसको कैसे किया तो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जब मैंने आपके सामने लाया, इसको घुमा कैसे रख दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको ढक दिया। मैं अभी नहीं, मेरे को मालूम इसमें कौन सा किया है, तो मैंने इसको ढक्कन लगा दिया। फिर से जब ले गया मैं पीछे ले के, मैं इसको ऐसे खोल के पीछे की साइड इस ढक्कन को लगा दिया, और आपके सामने ऐसे ला कर मैं पीछे की साइड इसका पिक्चर देख रहा था और आपके सामने नाटक कर रहा था, आपको मालूम ना चले। तो फिर से मैंने पीछे ले गया और उसके बाद इस ढक्कन को मैंने लगा लिया, उसके बाद आपके सामने ला के मैं ऐसे ऐसे किया,
और मैं नाटक कर रहा था, मेरे को पिक्चर तो इसके पहले दिख गया था तो मैं आपको बता दिया उसे। तो इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम सामने से देखता है तो उसको बहुत ही मज़ा लगेगा, चौंक जाएगा क्योंकि इसने कैसे किया ये। मेड इन चाइना मैजिक कॉइन। दोस्तों ये चाइनीज प्रोडक्ट है और बहुत ही हल्का है क्योंकि ये प्लास्टिक का है। आप कोई भी कॉइन से कर सकते हो, दूसरे कॉइन से करते हो और भी अच्छा लगेगा। कॉइन को ध्यान से देखिए, गायब हो जाएगा। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कॉइन गायब हो चुका है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कॉइन जो है गायब हो चुका है। मैंने इसको कैसे किया तो दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ अभी। इसमें एक और एक एक्स्ट्रा पार्टीशन है, जब मैंने इसको कॉइन को डाला तो ऐसे मैंने किया और इसको ऊपर किया तो ये कॉइन जो है इसके अंदर चला गया। आप देख सकते हो पार्टीशन में एक कॉइन है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो दोस्तों इस मैजिक को देखकर आपका होश उड़ जाएगा, ध्यान से देखना दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक होल है। तो चलिए आप इसको मैजिक को हम करके दिखाते हैं। सो दोस्तों अभी इसके अंदर हमने इस ब्लू कलर को अभी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ब्लू कलर को मैंने डाल दिया, उसके बाद ये येल्लो कलर जो है दोस्तों इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी इस रेड कलर को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। सो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, रेड कलर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको उठाता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो रेड कलर नीचे आ गया। मैं इसको लास्ट में डाला था लेकिन ये नीचे दिख रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे किया मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। को ऐसे करता हूँ, ठीक है। मैंने येल्लो कलर को डाला पहले, ध्यान से देखना दोस्तों। फिर से मैंने ब्लू कलर को डाल दिया, उसके बाद हम ये रेड कलर को डालेंगे, ठीक है। रेड कलर को डाल दिया, फिर से ये रेड कलर नीचे आ गया। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ही है। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे किया, बहुत ही सिंपल है। पहले से इसके अंदर एक रेड कलर है, आप देख सकते हो पहले से इसके अंदर एक रेड कलर रहता है नॉर्मली। तो इसके अंदर एक आप देख सकते हो ऐसे ग्रिप बना हुआ है जो रेड कलर को आर पार होने नहीं देता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक रेड कलर डाल दिया, ठीक है ना। अभी इसके अंदर से मैंने ब्लू कलर डाल दिया, उसके बाद येल्लो कलर डाल दिया, अभी रेड कलर को डाल दिया। रेड कलर इधर में रह जाएगा, ठीक है, और ये तीनों निकाल के आ जाएगा लेकिन रेड कलर इधर से आएगा। तो समझ गए दोस्तों, इसको कोई भी फर्स्ट टाइम देखेगा वो भी चौंक जाएगा। बहुत ही मज़ेदार है ये और बहुत ही सिंपल है। सो दोस्तों रुमाल को ध्यान से देखिए, रुमाल के अंदर कोई भी छेद होल नहीं है और इस रुमाल के अंदर हम जो इस कॉइन को डालेंगे और कॉइन आप देख सकते हो चारों तरफ से ये बंद है। कॉइन को इनसे निकलना नामुमकिन है, फिर भी हम जो है इस कॉइन को रुमाल के आर पार कर देंगे बिना छेद किए हुए। आप देख सकते हो दोस्तों, तो दोस्तों कॉइन बाहर नहीं आ सकता है। आप देख सकते हो चारों तरफ से ये ब्लॉक है, कॉइन बाहर नहीं आ सकता, देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो नॉर्मल एक रुमाल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सेट वगैरह कुछ नहीं है। मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दिया है। अभी मैजिक देखना दोस्तों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये कॉइन बाहर निकाल के आ चुका है। तो दोस्तों मैंने कैसे किया आपको मैं सिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो ये रहा, इसके बाहर कॉइन आ गया है। तो दोस्तों कैसे है आप देख सकते हो, नामुमकिन है इसके बाहर कॉइन आना। इसके अंदर अभी कॉइन है, ठीक है। जब मैंने इसको रूमाल के अंदर इसको डाला, ऐसे फोल्ड किया और ऐसे किया, देख सकते हो कॉइन बाहर आ चुका है। और मैंने इसको चालाकी से ऐसे फोल्ड करने के बाद मैंने इसको ऐसे उंगली से ऐसे दबा रखा था, ऐसे रखा था, ठीक है। और इसके बाद ऐसे मैंने किया और छोड़ दिया कॉइन को, ऐसा हो गया। बहुत ही सिंपल है, इसको आप आराम से कर सकते हो। वाओ दोस्तों, इस मैजिक टूल की मदद से मैंने जो है दूसरा मैजिक किया। आप देख सकते हो दूसरा मैजिक भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बेहतरीन है। आप सीख के रखिए, दोनों मैजिक जो है बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने कागज़ से किया था और इससे पहले रूमाल से किया था। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो दोस्तों देख सकते हो कॉइन गायब हो चुका है। तो दोस्तों मैंने इसको कैसे किया, बहुत ही सिंपल है, आपको मैं दिखाता हूँ। कॉइन मैंने ऐसे नीचे डाल दिया है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे करते हो तो ये कॉइन जो है बाहर आ जाता है। मैंने ऐसे करके कॉइन को मैंने नीचे की तरफ देखा था, आपको जो है सामने की ओर देखना है और बातों बातों में चलाकी से गिरा देना है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हो प्लास्टिक का कॉइन है और दो ऐसा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और प्लास्टिक का पांच कील है, इन कील को इस कॉइन के आर पार कर दूंगा, देखना ध्यान से, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस कॉइन को मैंने इधर रख दिया और उसके बाद इसके ऊपर से मैंने इसको
दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना आसानी से आराम से मैं जो है प्लास्टिक के किल को कॉइन के आर पार कर पा रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि कॉइन में छेद देखने को मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों कॉइन के आर पार ये किल ठोक चुका है। चलिए देखते हैं कॉइन जिंदा है कि मर गया। तो दोस्तों हमें भी एक एक करके निकालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कॉइन जो है जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है, आर पार कुछ होल वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों इसको मैंने कैसे किया, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर रख दिया और इसके अंदर से जब मैं ऐसे इसको डाल रहा था तो ये देखना एक साइड हो गया, ठीक है, एक साइड हो गया। तो अभी इसके अंदर से बहुत ही सिंपल से इसके चारों तरफ हो जाएगा। इसमें बहुत गैप है ना दोस्तों, कॉइन जो है ये ऐसे होता है, कॉइन खड़ा रहता है। सो दोस्तों आप देख सकते हो सबसे मज़ेदार मेरे को ये लगा। आप देख सकते हो इसमें आपको ब्लॉक दिख रहा होगा, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसे हिलता भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। तो इसमें हमने एक कागज़ ऐसे लिया, ठीक है, कागज़ में कोई एक्स्ट्रा होल वगैरह कुछ नहीं, आप देख सकते हो, और इसमें से ये नहीं जा पाएगा क्योंकि ये ब्लॉक है, ठीक है। मैंने ज़ोर से ऐसे किया था तो इसे ये फट गया है, देख सकते हो इसमें निशान है। तो अब इस कागज़ को हम जो है इसमें डाल दे रहे हैं। अभी ये कील है प्लास्टिक का। सो दोस्तों आप देख सकते हो आर पार हो चुका है, आप देख सकते हो इस कागज़ का, ठीक है। तो अभी इस कागज़ को हम जो है निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कागज़ जो है असल में होल हो चुका है या फिर ऐसा ही दिख रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कागज़ जो है होल हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कील आर पार नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हम इसको ऐसे करते नहीं हिलता है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे किया, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से देखिए। जब मैंने इसके अंदर एक कागज़ को डाला, मैं नहीं बताऊँगा, कागज़ को ऐसे डालने के बाद आप इस ग्लास को जो है ऐसे मूव कर सकते हो, देख सकते हो ये मूव हो रहा है, ठीक है, ये मूव हो रहा है। अंदर जो होल है वो छोटा सा होल है, आप देख सकते हो ऐसे मूव होता है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करने के बाद आप इसमें होल प्लस होल कर सकते हो, देख सकते हो। और इसको बाहर निकलते वक्त आपको चालाकी से ऐसे करके इसको बाहर निकालना है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। वाओ दोस्तों एक रबर का मैजिक है, बहुत ही आसान है, इसको आप कर पाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, आप पहले देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने एक रबर लिया, नॉर्मली एक रबर ले लेना है आपको और उंगली में आपको ऐसे रख लेना है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ एक चीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये जो है इसमें आ जाएगा, आप देखना इस ये जो है इसमें आ जाएगा, बहुत ही ऑसम ट्रिक है, आप सीख के रखिए, आपके फ्रेंड्स लोग को दिखाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो इधर से इस इधर आ गया, बहुत ही ऑसम ट्रिक है दोस्तों। फिर से मैं इधर से लाके आपरा का डाबरा गिली गिली छू, देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों आप इसको वो ट्राई करिए, आपको ये इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से ऐसे करने हैं, ठीक है, इस तरह से लेना है, देख सकते हो। एक दो बार करोगे आपका बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे और आपके दोस्त लोग को दिखाइए, बहुत ही मजा आने वाला है भाई। हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सो दोस्तों मैंने तो आपको लगभग 13-14-15 आइटम का मैजिक आपको दिखा दिया और सिखा भी दिया है इन चीज़ों का, लेकिन 1, 2, 3, 4 और ये दो पत्ते, इन 5 का जो है मैंने आपको मैजिक नहीं दिखाया और सिखा भी नहीं पाया, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं चला इसको कैसे मैं आपके सामने करके दिखाऊं। इनको मैंने पढ़ के देखा, यूज़र मैनुअल की तरह एक बुक को पढ़ के देखा, मेरे को मालूम नहीं चला। तो दोस्तों आप इन 5ों का आप मैजिक ट्रिक सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें मैं बहुत सारे और मैजिक ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊँगा, क्योंकि इसमें मेरे को जो है लगभग 80 मैजिक ट्रिक जो है इसमें देखने को मिला। तो मैंने कुछ आपको 15 लगभग बता दिया, तो अभी और भी 65 मैजिक ट्रिक्स इनमें है जो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, तो वीडियो का पार्ट 2 आप लोग चाहते हो तो कमेंट करिए, और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इन मैजिक ट्रिक्स के अंदर आपको कोई भी सवाल सुझाव है तो कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।